जय बजरंग बली दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली के दो सबसे प्रसिद्ध प्राचीन हनुमान मंदिर के बारे में। ये मंदिर क्यों इतने प्रसिद्ध हैं, क्यों यहाँ श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ साल भर लगी रहती है, क्या इतिहास है इस मंदिर का, पूरी ए टू जेड जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। इसलिए मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम जाएंगे श्री सिद्ध हनुमान मंदिर, जो कि दिल्ली के करोल बाग में स्थित है। यहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट की बड़ी प्रतिमा है, इसलिए इस मंदिर को 108 फीट श्री संकट मोचन धाम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप संकट मोचन धाम करोल बाग कैसे पहुँचें। इस मंदिर के जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है झंडेवालन मेट्रो स्टेशन। झंडेवालन मेट्रो स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 20 से 30 कदम की दूरी पर है। जो श्रद्धालु दिल्ली के बाहर से यहाँ आना चाहता है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ सकता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस मंदिर की दूरी तकरीबन 2.5 किलोमीटर है। दिल्ली आप रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग तीनों ही रास्तों से बहुत ही आसानी से यहां पहुंचा जा सकता है। और दिल्ली में घूमने के लिए आप दिल्ली के लोकल ऑटो, डीटीसी बस, प्राइवेट कैब्स जैसे उबर, ओला, इन सभी को भी बुक करके आप सभी दिल्ली के स्थानों को घूम सकते हैं। ये है करोल बाग का संकट मोचन धाम श्री सिद्ध हनुमान मंदिर, जो सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर 108 फीट की हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है। उस प्रतिमा के नीचे हनुमान जी का मंदिर है और एक वैष्णो देवी की गुफा है, जहाँ पर आप माता जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की गुफा जैसी एक गुफा बना रखी है, वहाँ पे आप माता वैष्णो जी के दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी की ये 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा को देखकर पर्यटक और श्रद्धालु इस मंदिर की ओर आकर्षित होते हैं, खींचे चले आते हैं। यहाँ हनुमान की मूर्ति के चरणों के नीचे देखें तो यहाँ पर एक सुरसा राक्षसी का मुंह है और यही मंदिर में प्रवेश का रास्ता है। इसी राक्षसी के मुंह में से होकर हम भगवान हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी ने राक्षसी सुरसा को अपना विराट रूप दिखाया था और विराट दर्शन के बाद भगवान राक्षसी के मुंह में छोटा सा रूप धारण करके प्रवेश कर गए थे। दोस्तों आइए मैं आपको मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाता हूँ। दोस्तों जब अमृत के लिए राक्षस और देवताओं के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, देखिए उस तरह का, देखो कैसा समझा रखा है, ऐसा दृश्य बना रखा है दोस्तों, समुद्र मंथन। ये देखिए आप देख सकते हैं इस फोटो में, इस वीडियो में एक तरफ राक्षस हैं और एक तरफ देवतागण हैं। ये देखिए जी समुद्र मंथन, इसको देखकर दोस्तों बच्चे बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर आप आइए तो बच्चों फैमिली के साथ आइए, बहुत ही अच्छा और शानदार मंदिर है ये। ये आप देख रहे हो मगरमच्छ का मुंह है, इस मुंह के अंदर से माँ सरस्वती के दर्शन होते हैं। आपको माँ के सरस्वती दर्शन के लिए इस मुख में से होके जाना होगा। दोस्तों यह है शेर का मुँह, शेर के मुँह में से हमें माँ वैष्णो देवी के दर्शन होंगे। दोस्तों आपको गुफा में बहुत ही अच्छा लगेगा, बच्चे हों आपके साथ तो और भी आनंद आता है। दोस्तों ये बिल्कुल मिलती जुलती लगती है वैष्णो देवी की, जैसे गुफा है जम्मू एंड कश्मीर में, थोड़ा वैसा ही अनुभव लगता है। यहाँ पे माता जी की 3 पिंडियाँ रखी हुई हैं, उन पिंडियों के आपको दर्शन होंगे माँ वैष्णो के। और भी यहाँ पर फोटो भगवानों की दिखा रखी है, काली माता ने कैसे वध किया था राक्षसों का, कैसे उनका संहार किया था, वो सभी चीज़ें
इसमें दिखा रखी हैं दोस्तों। ये देखिए अब हमारे सामने माता वैष्णो देवी की तीन पिंडियां हैं। मेरे साथ मिलकर बोलो माँ वैष्णो देवी की जय। मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है, इसलिए मंगलवार को बहुत ही ज़्यादा तादाद में श्रद्धालु यहाँ हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। हनुमान जी के मंदिर के साथ यहाँ पर शनिदेव का मंदिर भी है, इसलिए यहाँ पे शनिवार को भी श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ लगी रहती है। यह है दोस्तों शनि मंदिर का कुछ दृश्य। यह है दिल्ली का दूसरा सबसे प्रसिद्ध प्राचीन हनुमान मंदिर, जो दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस मंदिर की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है और करोल बाग के हनुमान मंदिर से इसकी दूरी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है। यह प्राचीन हनुमान मंदिर, यहाँ पर भगवान बजरंग बली स्वयं भू हैं, स्वयं भूमि से निकले हैं। यह मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। यह मंदिर क्यों इतना प्रसिद्ध है दोस्तों, मैं आपको इस मंदिर का छोटा सा इतिहास बताता हूँ। दोस्तों दिल्ली का एक ऐतिहासिक नाम था इंद्रप्रस्थ, जो यमुना नदी के तट पर पांडवों द्वारा महाभारत काल में बसाया गया था। इंद्रप्रस्थ शहर की स्थापना के समय पांडवों ने इस शहर में 5 हनुमान मंदिरों की स्थापना की थी। कनॉट प्लेस का यह प्राचीन हनुमान मंदिर उन्हीं 5 मंदिरों में से एक है। मान्यता के अनुसार प्रसिद्ध तुलसीदास जी ने दिल्ली यात्रा के समय इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन किए थे, तभी उन्होंने इस जगह पर हनुमान चालीसा की रचना की थी। आइए दोस्तों मैं आपको मंदिर के अंदर का कुछ दृश्य दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं जो मूर्ति है, ये यही है हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति जिस पर पंडित प्रसाद चढ़ा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे और भी अन्य भगवानों के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के बाहर आप फूल, केला, प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाने के लिए आप यहाँ बाहर से खरीद सकते हो दोस्तों। इस मंदिर की ये भी मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की मुराद भगवान बजरंग बली पूरी करते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियो आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ एक बार मिलकर बोलें जय बजरंगबली।